दोस्तों मार्ग शीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था जो लगातार 18 दिनों तक चला था। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं महाभारत युद्ध के 18 दिनों के युद्ध क्रम के बारे में। बतलाएंगे आपको कि किस दिन क्या क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं महाभारत के पहले दिन की। दोस्तों युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का भी वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडवों के लिए निराशाजनक था। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य ने दृष्टद्युम्न को कई बार हराया था। भीष्म ने अर्जुन और श्रीकृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा था। तीसरा दिन। दोस्तों तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्रीकृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते, जिससे श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन भरोसा दिलाते हैं कि अब वे पूरे उत्साह से युद्ध लड़ेंगे। महाभारत युद्ध का चौथा दिन। दोस्तों इस दिन कौरव अर्जुन को रोक नहीं सके। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको मार दिया। भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध का पांचवा दिन। दोस्तों युद्ध के पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी थी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोके रखा। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। छठा दिन। दोस्तों इस दिन भी दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना का संहार कर दिया। महाभारत युद्ध का सातवां दिन। दोस्तों सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाते हैं। दृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन का पुत्र इरावन बिंद और अनुविंद को हरा देता है। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो जाते हैं। महाभारत युद्ध का आठवां दिन। आठवें दिन भी भीष्म पांडव सेना पर हावी रहते हैं। भीम धृतराष्ट्र के आठों पुत्रों का वध कर देता है। राक्षस अम्लुस अर्जुन पुत्र इरावन का वध कर देता है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देते हैं। महाभारत युद्ध का नौवां दिन। दोस्तों महाभारत युद्ध के नौवें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं, या तो वह भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या फिर एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। महाभारत युद्ध का दसवां दिन। दोस्तों इस दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण ही बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। ग्यारहवां दिन। महाभारत युद्ध के ग्यारहवें दिन कर्ण युद्ध में आ जाता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देते हैं। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार कर देते हैं। महाभारत युद्ध का बारहवां दिन। बारहवें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। महाभारत युद्ध का तेरहवां दिन।
दोस्तों इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं और फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव वास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आँखों की पट्टी तोड़ देता है जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही उनका वध कर देते हैं और इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं जिसे केवल अभिमन्यु ही तोड़ने के लिए जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है लेकिन चक्रव्यूह के दरबार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह सभी कौरवों से अकेला युद्ध करते हैं और अंत में मारे जाते हैं। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को भी कह देते हैं। महाभारत युद्ध का 14वां दिन। दोस्तों अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और फिर अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। दोस्तों इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं जिससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दिशा में ही दृष्टद्युम्न द्रोण का सर काटकर उनका वध कर देता है। 16वां दिन। दोस्तों इस दिन कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देते हैं लेकिन अपनी माँ कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण अपने दोनों भाइयों को मारते नहीं हैं। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। महाभारत का 17वां दिन। दोस्तों महाभारत के 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देते हैं लेकिन फिर से अपनी माता कुंती को दिए वचन के कारण अपने इन भाइयों को भी वे छोड़ देते हैं। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरते हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अपने ही भाई कर्ण का वध कर देते हैं। फिर शल्य प्रधान कौरवों के सेनापति बनते हैं जिसे युधिष्ठिर द्वारा मृत्यु प्राप्त होता है। और महाभारत युद्ध का 18वां दिन। दोस्तों इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देते हैं। सहदेव शकुनी को मार देते हैं। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की एक जंघा पर प्रहार करते हैं। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव महाभारत युद्ध में विजयी होते हैं। तो ये था दोस्तों महाभारत युद्ध के 18 दिनों का घटनाक्रम। और चलते चलते हमारी तरफ से एक ज्ञान की बात। दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर तुम शोक मत करो। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।